6 फरवरी को मैं यूके लैंड हो चुका था। ठीक है, आपने यूके आना है तो बेशक भाई आ जाओ। दिन का एक्सपीरियंस है, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, जॉब भी मेरी लगी है, जॉब की वाली वीडियो भी आएगी। वीडियो में सबको इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, जनरल इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। सबसे पहले तो भाई आपको पता है कि दो मेरे अपलोडेड हैं, मैं के यूके में मौजूद हूँ, तो मैं कैसे आया, मैंने प्रोसीजर किससे करवाया, कौन सा कंसल्टेंट था, कौन सा कंसल्टेंट बेस्ट है, ठीक है, और यूके कैसे आना है स्टडी पे। सो लेट्स स्टार्ट वीडियो। बहुत तेज हो रहा है। हाँ जी, तो गाइस यार सबसे अगर पहले बात करें मेरे एक्सपीरियंस की, तो शुरू से स्टार्ट करते हैं मेरी स्टोरी। यार एक लाहौर का कंसल्टेंट था, तो उसके थ्रू एक मेरे दोस्त भी गया था। उस दोस्त ने उस कंसल्टेंट का नंबर दिया था, तो वो उससे मैंने रब्ता किया। तो लाहौर के कंसल्टेंट है, उनके इंस्टीट्यूट का नाम जो है IAUK है, IAUK, ठीक है, वो लाहौर में मौजूद है। उनकी फ़ीस कोई नहीं है, वो आपको सारा प्रोसीजर जल्दी जल्दी करते हैं। अगर आपके रिक्वायरमेंट्स पूरी डॉक्यूमेंट्स वगैरह अगर आपके पूरे हैं, तो आप विद इन 1 मंथ आप लोग यूके आ सकते हैं उनके थ्रू, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में भी और स्क्रीन पे भी नंबर शो हो रहा होगा उनका, तो आप उनके थ्रू रब्ता कर सकते हैं। अगर डायरेक्टली आप उनसे रब्ता नहीं करना चाहते, तो आप पहले मुझसे रब्ता करें मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, वो भी डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। तो मैं आपको डिटेल बताऊंगा उनकी मज़ीद और कैसे हैं। अगर आप उनको मेरा रेफरेंस देंगे, फैसल नाम को लेके मेरा रेफरेंस देंगे, तो वो बेटर होगा, वो जल्दी समझ आएंगे, ठीक है, फिर वो आपको अच्छे से डील करेंगे। भाई उन्होंने अप्लाई किया मेरे यूनिवर्सिटी BPP यूनिवर्सिटी में मैनचेस्टर में, ठीक है। मेरा ऑफ़र लेटर आ गया तकरीबन 2-3 दिन में, ऑफ़र लेटर उन्होंने मंगवा दिया, ठीक है। उसके बाद मैंने फ़ीस मैनेज की, फ़ीस मैनेज करके फ़ीस डिपॉजिट कराई, ठीक है, डिपॉजिट फ़ीस मैंने खुद कराई थी, ठीक है। उसके बाद बैंक स्टेटमेंट मैच्योर होने तक मैंने वेट किया। आपको मैं एक टिप देता हूँ, जब भी आप अप्लाई कराएं, बेशक किसी भी कंसल्टेंट के थ्रू कराएं, आपने बैंक स्टेटमेंट पहले से बनवा लेनी है। यानी कि जैसे ही आपका ऑफ़र लेटर आया, उसी टाइम आप बनवा लें ऐसा ऐसा, या आप बनाने की कोशिश करें, ठीक है, ताकि ऐसा ऐसा 28 दिन की आपकी मेच्योर होनी चाहिए। ऐसे भी आ गया था, कैश लेटर जो होता है वो कंफर्मेशन लेटर होता है यूनिवर्सिटी की तरफ से कि आपका एडमिशन कंफर्म हो गया है, ठीक है। बाकी ये है कि अगर कैश अगर आपका आ जाए, अगर आपके बैंक स्टेटमेंट मेच्योर ना हो, तो आप वीज़े के लिए फाइल नहीं कर सकते, वीज़ा आप फाइल नहीं कर सकते। कैश का, बैंक स्टेटमेंट का 28 दिन का मेच्योर होना लाजमी है, ठीक है। 5 लाख की स्टेटमेंट होती है यूके की, तो आप लोग ये बनवा सकते हैं और ख़ुद भी एडजस्ट आगे पीछे से कर सकते हैं, ठीक है। तो यार मेरी स्टेटमेंट मच्योर नहीं थी, मैंने एक हफ़्ता वेट किया मच्योर होने का, एक हफ़्ता नहीं बल्कि 10 दिन वेट किया मच्योर होने का, फिर मैंने वीज़ा फाइल कर दिया प्रायोरिटी बेस पे, जिसमें मेरे 5 से 6 दिन में अल्हम्दुलिल्लाह वीज़ा मेरा बहुत जल्दी आ गया था, ठीक है। तो एक मजबूरी की वजह से मैं एक हफ़्ता लेट आया हूँ यूके, नहीं तो मैंने पहले ही आ जाना था, ठीक है। तो वालदा की तबीयत ख़राब हो गई थी शायद आपको बताओ। तो बाकी ये थी यार प्रोसीजर था मेरा। तो यार आज की ये छोटी सी वीडियो में ये आपको मैंने बताना था कि कंसल्टेंट कौन सा बेस्ट है। भाई कंसल्टेंट वो आप चूज़ करें जिसकी थोड़ी बड़ी अथॉरिटी हो, जो यूनिवर्सिटीज़ को जानता हो, जो यूके के रूल एंड रेगुलेशन जानता हो, जो आपका प्रोसीजर जल्दी करा सके, ठीक है। अगर आपका ऑफर लेटर भी 8-10-12-15 दिन बाद आ रहा है, तो आपका भाई काम बहुत लेट हो जाएगा। मेरा तो कैश लेटर आप यकीन करें तीसरे दिन आ गया था, फिर मैंने वीज़ा फाइल कर दिया। वीज़ा फाइल करने के बाद फिर 5-6 दिन बाद मेरा वीज़ा आ गया और मैंने टिकट करा ली एमिरेट्स एयरलाइन पे। तो मैं फ्री एंट्री टेक के लिए आया था, मैं 6 फरवरी को मैं यूके लैंड हो चुका था, ठीक है। जो यूके इमिग्रेशन वाले क्वेश्चन हैं, यानी कि यूके की जो एयरपोर्ट वाले क्वेश्चन होते हैं इमिग्रेशन वाले, तो वो कैसे होते हैं, वो भी आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा, ठीक है। तो वो बड़ी डिटेल से मैं आपको बताऊँगा, तो इसी रूम में मैं वीडियो रिकॉर्ड करूँगा, क्योंकि बाहर बहुत बारिश होती है यार, आगे पीछे बता जाना बहुत मुश्किल होता है। आपने यूके आना है तो बेशक भाई आ जाओ। मेरा 7 दिन का एक्सपीरियंस है, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, जॉब भी मेरी लगी है, जॉब की वाली वीडियो भी आएगी, और अकोमोडेशन, ये मैं अकोमोडेशन में रह रहा हूँ, ये 3-4 जो मेन टॉपिक्स हैं ये उसको कवर करूँगा, और आप चैनल से आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अगर आप मार्च फेब या आगे आने वाली इंटेक्स में आना चाहते हैं यूके, तो लाजमी आए। वो तो कहते हैं ना जॉब नहीं है यूके में, जॉब नहीं है भैया, आप ढूंढने वाले बने, जॉब आपके पीछे पीछे आएंगी। खुला के आपको एक नई टिप से, नई इन्फॉर्मेशन के साथ आऊँगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए भाई को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।